इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाजरीन आप देख रहे हैं वसीम इन्फो टीवी। हम आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, सीनियर रेडियो सदाकारा और पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री की अदाकारा खुर्शीद शायद इंतकाल कर गई है। बेगम खुर्शीद शायद 19 नवंबर 1931 को पैदा हुई थी। पाकिस्तान की मरूफ फनकारा खुर्शीद शायद ने अपने फनी जिंदगी का आगाज आल इंडिया रेडियो से किया था। रोशन आरा बेगम की शागिर्दी इख्तियार की थी और मौसीकी की बड़ी बड़ी महफिलों में दादो तहसीन वसूल की थी। बाद हज़ार रेडियो पर सदाकारी और टेलीविज़न पर अदाकारी के जोहर दिखाए। उनके मशहूर ड्रामों में फहमीदा की कहानी, उस्तानी राहत की जबानी का नाम सरफरिस्त है। चंद फिल्मों में भी काम किया जिनमें चिंगारी और भूला सजन के नाम शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 14 अगस्त 1995 में सरदारती तमगाए हुसन कारकर्दगी से नवाजा था। मरूफ अदाकार सलमान शायद उनके फर्जंद हैं। खुर्शीद शायद खुद भी अदाकारा थी और उनसे शादी करने के लिए आल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जुगल किशवर मेहरा मुसलमान हो गए थे। उनके बेटे सलमान शाहिद का कहना है कि खुर्शीद शाहिद की नमाज जनाजा 4 बजे डिफेंस फेज 2A ब्लॉक मस्जिद में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन फेज 7 के कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। खुर्शीद शाहिद की उम्र 95 बरस थी, जो काफ़ी अरसे से अलील थी। वाज़े रहे कि उन्होंने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ 9 साल की उम्र से किया था। नाज़रीन सभी मिलकर दुआ करते हैं कि खाले के कायनात इस खातून को जन्नतुल फिरदौस में नुमाया मकाम नसीब फरमाए। कमेंट्स में सभी ने लिखना है आमीन।